next question question says if all matter were made of electrically neutral particles such as neutrons our uh, option is there would be no force of friction सो so, अगर सारी चीजें जो है आपकी हम ऑप्शन लिख लेते हैं ए बी सी और डी इन चारों को एक साथ इवेलुएट करते हैं सो so, अगर सारी दुनिया आपकी बनी होती है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो इनमें क्या क्या इफेक्ट होता आ, ये है ये स्टेटमेंट हमें बतानी है देयर वुड बी नो फ्रिक्शन तो ये बात आपकी सही है बिकॉज फ्रिक्शन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और उसके लिए आपको एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चाहिए जो आपके अट्रैक्ट या रिपेल करें ठीक है सो so, अगर सब कुछ न्यूट्रॉन होता तो फ्रिक्शन नहीं होता देयर वुड बी नो टेंशन इन द स्ट्रिंग यह बात भी आपकी सही है फॉर द सिंपल रीजन टेंशन भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्वेश्चन ऑप्शन डी है दे इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू सिट ऑन अ चेयर तो ये बात भी आपकी सही है बिकॉज इस प्रोसेस में हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन्वॉल्व होते हैं ऑप्शन डी है अर्थ कुड नॉट मूव अराउंड द सन नाउ ये बात सही नहीं है बिकॉज अर्थ जब सन के अराउंड घूम रही है मून अर्थ के अराउंड जब घूम रहा है वहाँ पे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स है दे कमिंग टू पिक्चर और उसमें आपके चार्ज का न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव होने का कोई रिलेशन नहीं है So option A, B and C would be the right answer.